आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, यदि x घटा बी सी बटे बी जमा सी जमा x घटा सी ए बटे सी जमा ए जमा x घटा ए बी बटे ए जमा बी बराबर है ए जमा बी जमा सी हो तो हमें x का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? देखो, सबसे पहले हमारा जो समीकरण दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। क्या है? x घटा बी सी बटे बी जमा सी जमा x घटा सी ए बटे सी जमा ए जमा x घटा ए बी बटे ए जमा बी बराबर है ए जमा बी जमा सी। देखो, जो ये मेरा ए जमा बी जमा सी है, मैं इसको भी इधर ले आती हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा? x घटा बी सी बटे बी जमा सी जमा x घटा सी ए बटे सी जमा ए जमा x घटा ए बी बटे ए जमा बी, और ये हो गया मेरा घटा ए घटा बी घटा सी बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ तक सब देखो समझ में आया? अब देखो, यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है, यहाँ पर बी सी है, ए नहीं है, तो मैं इस ए को इसके साथ लगा दू, यहाँ पर बी को लगा दू, क्योंकि सी ए है बी नहीं है, यहाँ पर ए भी है सी नहीं है, तो मैं यहाँ इसके साथ लगा दू। तो क्या करेंगे? अभी देखो, x घटा बी सी बटे बी जमा सी घटा ए, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, जमा x घटा सी ए बटे सी जमा ए घटा बी, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और यहां पर जमा x घटा ए बी बटे ए जमा बी घटा सी, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, बराबर जीरो। आगे क्या करेंगे? यहां पर देखिए, जो ये तीन टर्म बनी हमारी, इन तीनों का अलग अलग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर लग उत्तर से वहां पर तक लेंगे, तो ये क्या आएगा? बी जमा सी, यहाँ से क्या बचा? एक्स घटा बी सी घटा ए बी प्लस सी, ऐसे ये, यहाँ पर मैंने लग उत्तम लिया सी जमा ए का, तो क्या बचा? ये एक्स घटा सी ए घटा बी जमा ए, ऐसे ये यहाँ पर ए जमा बी लघुत्तम लिया, तो क्या बचा ऊपर? एक्स घटा ए बी घटा सी इंटू ए जमा बी बराबर जीरो। समझ में आया भी? अब आगे करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, ये ए बी इन सब के साथ गुणा कर देते हैं, ए को बी को इसके साथ और सी को इसके साथ, तो क्या बनेगा? एक्स घटा बी सी घटा ए बी घटा ए सी बटे में बी जमा सी, ऐसे यहां पर एक्स घटा सी ए घटा बी सी घटा ए बी बटे में सी जमा ए, ऐसे यहां पर एक्स घटा ए बी घटा सी ए घटा ए बी बटे ए जमा बी बराबर जीरो।
अब देखो जो हमारा हर ऊपर वाला अंश है वो सभी का बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सभी में से कॉमन ले लेंगे, एक्स घटा बी सी घटा ए बी घटा ए सी, सभी के अंदर क्या बच गया, एक बटे बी जमा सी जमा एक बटे सी जमा ए जमा एक बटे ए जमा बी बराबर 0। अब देखो ये सारे टर्म और ये सारे टर्म बराबर 0 तब होगी जब इन दोनों में से कोई एक टर्म बराबर 0 होगी। अब ये तो सभी स्थिर मान है, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये वाली टर्म 0 के बराबर होगी। क्या करेंगे अभी इसको, एक्स घटा बी सी घटा ए बी घटा ए सी बराबर 0। तो एक्स बराबर मैं निकालू तो क्या आ जाएगा, बी सी जमा ए बी जमा ए सी, ठीक है। एक्स का मान ये आ गया है, ये हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।